तो हरैया सतघरवा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा खैरमान जलाशय का निर्माण कराया गया था, लेकिन सिल्ट सफाई ना होने से जलाशय का किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्रीय किसानों ने का कहना है कि खैरमान जलाशय के सिल्ट की सफाई कभी नहीं होती है। सिंचाई विभाग द्वारा प्रतिवर्ष नहर की सफाई कराई जाती है, साथ ही कहा कि जब जलाशय में पानी ही नहीं है तो नहर सफाई करने का क्या मतलब है। किसानों का आरोप है कि विभाग द्वारा ट्रैक्टर रोटावेटर से नहर की जुताई कर दी जाती है और बजट का बंदरबाट कर दिया जाता है। साथ ही बताया कि जलाशय नरकुटवा फीडर के पास कटा है, जिससे जलाशय का पानी हिंगा नाला में बह जाता है। इससे 150 गांव के किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अरे जी, कम से कम 5-6-7 साल से बंद पड़ा है। अच्छा, पानी उसमें रहते नहीं, नहर साफ करते हैं। हाँ। जिसमें पानी रहता है उसको साफ ही नहीं करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं, मतलब काहे पानी नहीं रहता है? अब जो उसमें मैल ज्यादा होगा, कचरा ज्यादा हो गया। हाँ। अब उसका मिट्टी ज्यादा पड़ गया, उसका सफाई होता नहीं है। अब का सफाई करते हैं? का सफाई करते हैं साहब, ऐसे हर बार को घास छोड़ दिन बस होगा। अच्छा, अगर ऐबो करते बीजा बजट तो घास भूसा छोड़ देते हैं, बस साफ है, जानो रुपया उठा लिया था। पानी हमारे आज 5 साल से नहीं रहा था। हाँ, यही से हम लोग जिया जाते सर, तो अभी हो के नहीं हो पावे थे कुछ, तो अब का किए। एक सिल्ट सफाई कई बार आवा है, कई बार आवा है, लेकिन नहर सफाई के छोड़ देते हैं। और यह पार साल यहाँ त्योसा लगवाए रहे, तो अतरा मंडा उठाई, बस अतरे में देखा जाए कि एक बूंद पानी नहीं है। अच्छा, क्या वजह है कि इसमें पानी नहीं रहता? पानी बटा बट गया, इसी वजह से नहीं रहते। अगर खुदान नहीं कराओ तो पानी मोहल्ले खावा जाते। ये खैरमान बांध है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ये बांके गांव में। अच्छा, ये नहर का कब से बंद पड़ा है? ये नहर तो आज हो गया कम से कम 5-6 साल से, पानी अब लोग को नहीं अब मिल रहा है। पानी उसमें रहते नहीं, सफाई करने वाले आते हैं, खाली नहर करते हैं बंदे, कोई सफाई नहीं, कोई कार्रवाई होते ही नहीं है, कोई शासन आदेश ही नहीं होते। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, दरखास्त